वैद्य जी महाराज, दया करके आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, वो दर्द से छटपटा रही है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें पता है ना, मैं घर जाकर इलाज करूँ तो कितना पैसा लेता हूँ? ज्यादा पैसे लेता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कविराज जी, और इतना समय भी नहीं है कि पैसे का बंदोबस्त कर सकूँ। चलिए मेरे साथ। फोकट में काम नहीं होता, पैसा चाहिए पैसा। हाँ समझे। तू एक काम कर, मेरे क्लिनिक की साफ सफाई कर दे, तब तक मैं सोचता हूँ। क्या है ना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कि तेरा मुफ्त में इलाज कैसे करूं। ठीक है, चल चल काम कर। मैंने सब कर दिया महाराज, अब मेरे साथ चलिए। अरे थोड़ा रुक तो सबर कर, तू देख नहीं रहा है आज यहाँ कितने मरीज आए हैं। तू एक काम कर, मेरे गीले कपड़े हैं तो उनको सुखा दे, तब तक मैं इन मरीजों का इलाज करता हूँ। ठीक है। अब चलिए वैद्य जी महाराज, बहुत देर हो चुकी है, दो कदम चल के ही मेरा घर है, चलिए ना। अरे वाह वाह, सारे काम कर लिए तो मेरा क्या सिर खरीद लिया है? हाँ? चल जा जा जा, दोपहर के वक्त में मेरा सिर मत खा तू, जा चल भाग यहाँ से, निकल जा जा जा, जा। अरे चाचा जी, सुन रहे हैं, ये एक का पता बताते जाइए। हाँ बताइए। मैं गोविंद बूढ़े बाबा के यहाँ जाना चाहता हूँ, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? हाँ मैं ही हूँ वो, बोलिए। ठीक है, तुम मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ उनके घर जाना चाहता हूँ, वहाँ पहुँचकर ही सब बातें होंगी, चलिए मेरे साथ। सुनिए चाचा जी, अब मैं आपको असली बात बताता हूँ। मैं हूँ यमराज, मैं आया हूँ आपकी पत्नी का प्राण हरने, लेकिन मैं आपके व्यवहार से बहुत खुश हूँ। मैं आपको सोने की मोहरे देता हूँ और इनके प्राण लेकर जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे सोना वोना कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरी पत्नी का प्राण वापस कर दीजिए, इतनी दया कीजिए मुझ पर। सुनिए, जीवन और मरण मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी के प्राण भी नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी पत्नी को होश में लेकर आ जाओगे तो मैं उनके प्राण नहीं ले जाऊंगा, वरना आज उनका आखिरी दिन है। ठीक है प्रभु। अगर मैं ज्यादा पैसा देकर वैजी महाराज को यहाँ ला सकूं, तो मैं अपनी पत्नी को होश में ला सकता हूँ। अभी भी शाम नहीं हुई है, मैं अभी भी जा सकता हूँ उनके पास, अब मुझे चलना चाहिए। तो फिर से आ गया मुझे तंग करने, हैं? पैसे लाया है, पैसे पैसे, पहले पैसे लूंगा फिर चलूंगा, क्या कह रहा है? हाँ वैजी महाराज, ये लीजिए। ये सोने की मुद्रा कहाँ से लाया तू? हाँ मैं सब बाद में बताऊंगा आपको, अभी दया करके मेरे साथ चलिए आप। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, अरे चल ना, मुँह क्या देख रहे हैं, जल्दी चल जल्दी चल, बहुत काम बाकी है मेरे, चल चल। आप इसको बचा लीजिए वैजी महाराज।
हाँ वही तो देख रहा हूँ मैं ना। तू एक काम कर, जल्दी जा, एक बड़ी सी कटोरी ला और एक लोटा पानी ला। जा, चल चल जल्दी जा। अबे बूढ़ी माँ, ये जल्दी से पानी पी लो। चलो पी लो पी लो पी लो। वेजी महाराज, आपके हाथों में जादू है। अगर आज आप नहीं होते तो मैं इसे कभी नहीं बचा पाता। ये तो अच्छी बात है कि तू पहले ही जान गया कि तेरी बीवी बीमार है। इसी से तेरी बीवी की जान बच गई। ये सोने की मुद्रा कहाँ से लाया तू? हाँ। ये लीजिए। अरे दे 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 दे, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? है ये कैसे संभव है? सुबह जो बूढ़ा मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, पैसे नहीं है कह रहा था, आज उसके पास स्वर्ण मुद्राएं कैसे आ गई? हाँ, ये क्या रहस्य है, इसका भेद मुझे करना ही होगा। अच्छा अब एक बात बता गोविंद, ये स्वर्ण मुद्राएं तुझे कहाँ से मिली? बेजी महाराज, वो तो मैं मुझे किसी भी हालत में यमदूत आने से पहले वो सारी स्वर्ण मुद्राएं छीननी होंगी। जल्द से जल्द घर जाकर बीवी से सलाह मशवरा करता हूँ कि उसकी स्वर्ण मुद्राएं कैसे छीन लूं। चलो 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 चलो। अरे ओ भगवान, ओ भगवान, कहाँ उलझ गई हो, कहाँ हो तुम? अरे लक्ष्मी माता आकर बैठी है, बस हमें जाकर उसे हमारे घर लाना है। क्या क्या कह रहे हैं आप? सुनो सुनो, और देर करना ठीक नहीं होगा। इस तरह से हम लक्ष्मी को फेंक कर नहीं रख सकते हैं। जो भी करना है आज रात को ही करना होगा। सही कहा तुमने, इसीलिए तो मेरा दिमाग चला रहा हूँ। उस सिंह से ही काम पूरा होगा, और आज ये काम हम रात के अंधेरे में करेंगे। अंधेरे में इतने चमक धमक वाले राज पोशाक की जरूरत नहीं है, सिर्फ डराने से ही काम होगा। इतनी रात को कौन आया अभी यहाँ? कौन है, कौन है इतनी रात को? सुन, जल्दी जल्दी उठ जा, मैं यमदूत हूँ। अरे मूर्ख, मैंने कहा था कि पूरी तरह स्वस्थ हो जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई है, इसीलिए मैं लेने आई हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? अच्छी तरह से सुन, मैंने जो तुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थी वो सारे मुझे वापस कर दे, तभी मैं बूढ़ी की जान बचा सकती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी, आप रुकिए, मैं अभी सारे सोने की मोहरे आपके चरणों में डाल देता हूँ। इससे पहले भी जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब भी हम ठीक से रह लेते थे, हम फिर साथ रह के ऐसे ही दिन काट लेंगे। ये मैं उनको दे देता हूँ। मैं इन सोने के मोहरों को दरवाजे के बाहर लग देता हूँ। हाँ,
लीजिए प्रभु, आपकी दी हुई चीज आप वापस ले जाइए और मेरी पत्नी के प्राण बख्श दीजिए। इतनी आसानी से मेरा काम हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था, नहीं सोचा था। अब जल्दी जल्दी ये स्वर्ण मुद्रा लेकर मुझे यहाँ से चले जाना होगा। कह नहीं सकते कि कब कौन नजर लगा दे। हाँ 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 मैं भी देखता हूँ वेद जी महाराज कैसे इतने आनंदित रह सकते हैं। अरे चलो चलो चलो, जल्दी उठा कर रखो, बच्चों की तरह खेलो मत। चलो चलो, एक काम करते हैं, पहले तुम्हारे सिंह निकाल देता हूँ, फिर इसे एक जगह जमा करके रखता हूँ। सब ठीक से संभाल कर रखना। अरे ये क्या, क्या तुम सच में बच्ची हो गई हो? हाँ चलो भी मेरे साथ मस्ती मत करो, चलो मैं तुम्हारे सिंह निकाल देता हूँ, आ जाओ। ये क्यों नहीं निकल रहे हैं? और ये क्या, तुम बकरी जैसी बे बे क्यों कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे ये क्या हुआ, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ? ये सिंह भी तो खुल नहीं रहा है। अरे मेरा सर्वनाश हो गया, सर्वनाश, मेरी बीवी बकरी बन गई, अब मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा, अरे बीवी बकरी बन गई रे। इतने दिन सब गरीब को बकरी समझकर बेवकूफ बनाते थे, अब तू भी बकरी बनकर रहेगा जिंदगी भर।